हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में, जहां हम बात करने वाले हैं टाटा एक प्रेडिक्शन की। और आज का प्रेडिक्शन होगा दिल्ली कैपिटल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच में। और दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहूँगा, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब बटन पर ज़रूर क्लिक करें, ताकि आप हमारी कोई वीडियो मिस ना कर सकें। तो चलिए इस प्रेडिक्शन को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। टीम्स की बात करें तो दोनों ने अभी हाल ही में एक दूसरे के साथ मैच खेला है, जिसमें डीसी वॉज द रियल विनर। दिल्ली के छोरों ने काफ़ी चलाकी से जीत दर्ज करी। खैर, अगर हम एसआरएच की बात करें तो उनके पास अभी ये मौका है अपना बदला लेने का। क्या वो ये बदला पूरा कर पाएगी, ये तो वक्त ही बताएगा। खैर, इस जीत से इतना फर्क हैदराबाद को पड़ना नहीं है, बिकॉज दिल्ली अभी भी एट द बॉटम ऑफ द टेबल है। पॉइंट्स बेशक सेम हो, बट नेट रन रेट के हिसाब से SRH उनसे ऊपर है। अब हम प्लेयर्स इन फॉर्म की बात करें तो SRH के टॉप परफॉर्मर्स हैं ईदन मरकम, उमरान मलिक और वॉशिंगटन सुंदर। वहीं दूसरी ओर दिल्ली कैपिटल्स के लिए टॉप परफॉर्मर्स रहेंगे डेविड वार्नर, पृथ्वी शॉ और रोमन पॉवेल। टेम्परेचर की बात करें तो 28 डिग्री सेल्सियस रहेगा दिल्ली का कल। ह्यूमिडिटी रहेगी 38%, विंड स्पीड्स रहेंगी 11 किलोमीटर पर आवर और प्रेसिपिटेशन के 10% चांसेस हैं। टॉस एडवांटेज की बात करें तो बैटिंग पहले करके एक टीम सामने वाली टीम को काफ़ी अच्छा टारगेट दे सकती है। पिच रिपोर्ट की तरफ बढ़े तो दिल्ली का अरुण जेटली स्टेडियम काफ़ी जाना माना स्टेडियम है, इसका थोड़ा स्लगिश सरफेस माना जाता है और स्पिनर्स को काफ़ी अच्छा मौका मिलेगा बैटर्स के अगेंस्ट। वो उन्हें तंग करेंगे अपनी बॉलिंग से, बट ये भी एक बैटर फ्रेंडली पिच है थोड़ी बहुत, तो इसमें हाई स्कोर बैटल हमें देखने को मिल सकता है। खैर, वेन्यू स्टैट्स की बात करें तो टोटल 13 मैचेस खेले गए हैं, जिसमें कि बैटिंग पहले करके 4 जीते गए हैं, वही बॉलिंग पहले करके 9 जीते गए हैं और एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर रहा है 139। इंजरी की बात करें तो अनफॉर्चुनेटली वॉशिंगटन सुंदर हैज बीन रूल्ड आउट ऑफ द टूर्नामेंट ड्यू टू अ हैमस्ट्रिंग इंजरी। हेड टू हेड स्टैट्स की बात करें तो दिल्ली कैपिटल्स ने 11 मैच जीते हैं, वही दूसरी ओर सनराइजर्स ने भी 11 मैच जीते हैं इन टोटल ऑफ 22 मैचेस। वो माना चाहेंगे ड्रीम 11 के टॉप विकेट कीपिंग पिक पे, और सबसे पहले हम लोग पिक करेंगे फिलिप सॉल्ट को, जो पिछले मैच में क्लीन बोल्ड हो गए थे भाई, लेकिन इस मैच में वो एक अच्छी वापसी कर सकते हैं। दूसरे पिक की बात करें तो क्लासन भी एक अच्छी पिक रहेंगे, क्योंकि इन्होंने पिछले मैच में 31 रन स्कोर करे थे विद स्ट्राइक रेट ऑफ 163.61। अब हम बात करें बैट्समैन पिक की तो डेविड वार्नर भी एक अच्छी पिक रह सकते हैं, क्योंकि इन्होंने 306 रन स्कोर करे इन 7 गेम्स विद स्ट्राइक रेट ऑफ 119.53 और इनका एवरेज रहा है 43.71। दूसरे बैट्समैन की बात करें तो हैरी ब्रूक भी एक अच्छी पिक रह सकते हैं। 24 साल के ये प्लेयर ने 163 रन स्कोर करे हैं 7 गेम्स में, एवरेजिंग 27.16 पर गेम विद स्ट्राइक रेट ऑफ 127.34। अब हम आना चाहेंगे ऑलराउंडर पिक पे, और अक्षर पटेल इज दी ऑब्वियस पिक हियर। इन्होंने 7 गेम्स में 182 रन स्कोर करे हैं, एवरेजिंग 30.33 एंड स्ट्राइकिंग आउट 135.82। अक्षर ने 6 विकेट्स भी लिए हैं एट एन एवरेज ऑफ 25.83। दूसरे प्लेयर की बात करें तो एडन मरकम भी एक अच्छी पिक है। इन्होंने 6 गेम्स में 124 रन स्कोर करे हैं विद एन एवरेज ऑफ 24.8 एंड स्ट्राइक रेट ऑफ 151.21। अब हम आना चाहेंगे फाइनली बॉलर्स पे, और एनरिच नॉर्टे एक अच्छी पिक रह सकते हैं। इन्होंने 6 विकेट्स लिए हैं इन 6 गेम्स विद स्ट्राइक रेट ऑफ 24 एट एन एवरेज ऑफ 33.65। दूसरे पिक की बात करें तो मयंक मरकंडे एक अच्छी पिक रह सकते हैं। इन्होंने पिछले मैच में एक भी विकेट नहीं दर्ज करा हो, बट इनकी बॉलिंग काफ़ी बढ़िया रही और रोमांचक रही थी पिछले मैच में, सो इस मैच में भी वो एक अच्छी बॉलिंग के साथ आ सकते हैं। अब हम आना चाहेंगे इम्पैक्ट प्लेयर्स पे, और दिल्ली कैपिटल्स के इम्पैक्ट सब ऑप्शंस रहेंगे राइली रोसू, रोमन पॉवेल, ललित यादव, अभिषेक पोरल और यश ध्रुव। वही दूसरी ओर सनराइजर्स हैदराबाद के इम्पैक्ट ऑप्शंस रहेंगे ग्लेन फिलिप्स, फैजू फरूकी और उपेंद्र यादव। इसी के साथ हम अपनी फाइनल ड्रीम टीम्स के सामने हैं। अगर हम लोग पहली टीम की बात करें तो पहली टीम के विकेट कीपर रहेंगे फिल सॉल्ट,
बैटर्स रहेंगे मनीष पांडे, डेविड वार्नर, अभिषेक शर्मा, राहुल त्रिपाठी और हैरी थ्रू। ऑलराउंडर्स की बात करें तो एडन मरकम, अक्षर पटेल और मार्को जेम्सन। वहीं बॉलर्स की बात करें तो मरकंडे और कुलदीप यादव। इस टीम के कैप्टन रहेंगे मरकम और वाइस कैप्टन रहेंगे फिलिप सॉल्ट। वहीं दूसरी ओर हम दूसरी टीम की बात करें तो विकेट कीपर्स रहेंगे फिलिप सॉल्ट और हेनरिक क्लासन। बैट्समैन में रहेंगे डेविड वार्नर, अभिषेक शर्मा, राहुल त्रिपाठी और हैरी थ्रू। ऑलराउंडर्स की बात करें तो एडन मरकम, अक्षर पटेल और मिचेल मार्श। वहीं बॉलर्स रहेंगे मरकंडे और एंड्रिज नॉर्टे। इस टीम के कैप्टन रहेंगे हैरी थ्रू और वाइस कैप्टन रहेंगे नॉर्टे। बात करें मैच विनर की तो वी बिलीव हैदराबाद अपना बदला पूरा नहीं कर पाएगी बिकॉज दिल्ली विल वंस अगेन विन दिस फिक्स्चर। तो यही थी हमारी एक्सपर्ट ड्रीम इलेवन प्रेडिक्शन। अगर आपको प्रेडिक्शन अच्छी लगी हो तो आप इसे जरूर यूज़ कर सकते हैं। बाकी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपके हिसाब से ये मैच कौन जीतेगा। दिल्ली वालों, क्या आपको लगता है आपकी टीम फिर से जीत पाएगी अगेंस्ट सनराइजर्स हैदराबाद? ये तो वक्त ही बता पाएगा। खैर, हमें कमेंट्स में आप ज़रूर बताएं कि आप इस ड्रीम इलेवन टीम में क्या चेंजेस करना चाहेंगे। इसी के साथ हम इस वीडियो को यही ख़त्म करना चाहेंगे। जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अब हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।